ये 250 रुपीस का वायरलेस नेकबैंड हेडफोन के आपके लिए सही है क्या? आपको इसे लेना चाहिए? ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके साउंड टेस्टिंग से लेके इसके कंफर्ट से लेके इसके बैटरी टेस्ट तक इसकी क्वालिटी तक सब कुछ हम चेक करेंगे। स्वागत है आपका टेक्नी यूनिवर्स में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक लोकल वायरलेस नेकबैंड एयरफोन जो की टेक 5 कंपनी का। तो क्या ये 250 रुपए में कोई वैल्यू प्रोवाइड करेगा? तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हैं इसका अनबॉक्स। वैसे अनबॉक्सिंग के लिए इसमें कुछ है ही नहीं, कोई सील भी नहीं आती है, डायरेक्टली बस इसे यहाँ से ओपन करो। ये ओपन हो गया और यहाँ पे है अपना वायरलेस नेकबैंड हेडफोन। और इसके साथ में दो चीज और आती है जिसमें ये चार्जिंग के लिए केबल आती है, वो एक्स्ट्रा बड्स आते हैं जिसकी साइज जो लगा हुआ है उससे 19 BC है, कोई ज्यादा का फर्क नहीं है इसमें। और ये केबल USB से टाइप भी आती है, मतलब माइक्रो USB आती है। एक पेपर भी आता है इसमें जो इतना कुछ बड़ा है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये तो हम पढ़ते नहीं करते। बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो जो इसका नेक का बैंड है बहुत ही फ्लेक्सिबल है जैसा देख सकते हो आप, और बहुत ही पतला सा नेकबैंड के साथ में सिलिकॉन बॉडी आती है। एक साइड में तो कोई मैनुअल बटन नहीं दिए गए, दूसरी साइड में मैनुअल बटन जिसमें आपको वॉल्यूम अप डाउन की मिलेगी, एंड पावर बटन है जिससे आप म्यूजिक को पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, इससे आप कॉल भी अटेंड कर सकते हो। इसका माइक भी दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है। और उसके बाद में आता है आपके नायलॉन ब्रेडेड वायर जो कनेक्टेड है आपके मैग्नेटिक एयरबड्स से। इसका मैग्नेट पावर भी काफी अच्छा है। और यहाँ पे इसके टिप्स की बात करें तो टिप्स रबर के आते हैं। इसकी अच्छी चीज मुझे ये लगी कि यहाँ पे ये अलग पोर्शन में है और ये वाला जो है ये एक अलग पोर्शन में, जिसे ये अच्छे नहीं लगते हैं वो इसे अलग से भी हटा सकते हैं और सिर्फ टिप्स को लगा सकते हैं, लेकिन ग्रिपिंग के लिए काफी अच्छा ऑप्शन। बिल्ड क्वालिटी तो बहुत मुझे चीप लग रही है, अब 250 रुपए में और क्या ही मिलेगा आपको। वैसे लगाने के बाद इतना चीप फील नहीं हो रहा है। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसका मॉडल नंबर 5155 है जो कि आपको टेल ग्रीन कलर में आता है। तो यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन दिख रहा है TF5145। वैसे जब हमने परचेस किया था तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 155 और यहाँ पे दिखा रहा है 145, तो भाई क्या ही रियलिटी है इसकी। कंपनी कहती है बहुत ही लाइट वेट है, तो हाँ लाइट वेट तो है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटी सी स्टिक दी गई है, बहुत ही पतली सी स्टिक है। वैसे इसमें 300 mAh की बैटरी मिल जाती है। मुझे लगता है इधर वाला जो इसका कैबिन है ये पूरा बैटरी का ही है। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है जो 1 घंटे में बैटरी को चार्ज कर देती है और वो 40 घंटे तक चल जाती है, मतलब 40 घंटे का इसका प्लेबैक टाइम है। 10 मीटर की इसकी रेंज है तो वो हम प्रैक्टिकल नीचे ही देखेंगे। और इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी 2.4 की है। अब इसे रनिंग के टाइम भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये स्वेट प्रूफ है और साथ ही वाटर रेजिस्टेंट है, तो बारिश में तो इसको लेके मत घूमना नहीं तो खराब हो सकता है। तो बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। साउंड मुझे लगता है काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ तक मुझे आवाज आई है इसकी पावर ऑन की। किसी भी मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम कनेक्ट करने वाले अपने मैकबुक से, तो ये हो चुका है कनेक्ट। वैसे हम म्यूजिक ऑन कर रहे हैं, उसके पहले इसकी फिटिंग देखते हैं। फिटिंग तो काफी अच्छी आ रही है, यहाँ से भी इसने कवर कर लिया है और मुझे नॉइस कैंसिलेशन वाली फीलिंग आ रही है। फिर कान को इसने ब्लॉक कर दिया, यहाँ से भी देखो, ये यहाँ से भी। चेक करते हैं इसकी फिटिंग। सर घूम गया मेरा, इतने से भी अपनी जगह से नहीं हिले, तो आप इसे रनिंग में यूज कर सकते हो। साउंड तो नॉट बैड, अच्छा है। फुल वॉल्यूम में हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि फट रहा है, तो इसके स्पीकर थोड़े से जवाब दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है फुल वॉल्यूम में। इसके बटन फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके वॉल्यूम अप डाउन की है, वॉल्यूम कम करने के लिए इसे सिर्फ प्रेस करके रखो, और यह वॉल्यूम अप के लिए इसे प्रेस करके रखेंगे ऐसा ये बोल भी देती है। और यहाँ पे ये पॉज प्ले के लिए है, इसे एक बार क्लिक करेंगे तो ये फॉरवर्ड वाले सॉन्ग पे जाएगा, इसे एक बार क्लिक करेंगे तो ये बैकवर्ड वाले सॉन्ग पे जाएगा। तो चलो चलते हैं बाहर इसकी रेंज चेक करने, उसका प्रैक्टिकल करने। तो आ चुके हम नीचे, वर्क करते हैं इसका प्रैक्टिकल टेस्ट। तो सबसे पहले इसे मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये हो चुका है कनेक्ट। 50% बैटरी है, साउंड आ रहा है, तो देखते हैं कितने रेंज है इसकी। वो वहां तक अच्छी रेंज है, उसके बाद में साउंड ब्रेक होने लग जाता है। अब बारी है इसकी कॉलिंग टेस्टिंग की। कॉल चालू है, खतरनाक था। वैसे इसका प्रैक्टिकल देख के आपको क्या लगा मुझे कमेंट में बताना। प्रैक्टिकल के बाद में एक और प्रैक्टिकल बचा है जिसका मैंने कहा था कि हम इसकी बैटरी टेस्ट भी करेंगे। तो इसके साथ केबल ही आती है तो हमें अडैप्टर का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ किया हमने इसके अडैप्टर का, वैसे अडैप्टर भी फास्ट चार्जर है। अब हम चार्ज करके देखेंगे। तो ये अभी है 50% और 1:49 हो रहे हैं। ये यहाँ पे हो रही है चार्ज, जब चार्ज होगी तो यहाँ पे रेट बताएगा। यहाँ पे 2:12 हो चुके हैं, मतलब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। अब 20 मिनट में कितना चार्ज हुआ होगा देखते हैं। चार्ज करने के टाइम पे ये कनेक्ट नहीं होता है, कनेक्शन हट जाता है। ये कनेक्ट करने पे 70% दिखा रहा है, मतलब 20 मिनट में 20% चार्ज हो रहा है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 100 मिनट में 100% होगा, मतलब 1 घंटे में फुल चार्ज नहीं हो सकता। ये लगभग 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं इसे फुल चार्ज होने। तो कंपनी की एक चीज तो गलत है कि 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, नहीं होता है भाई। और वैसे ये फास्ट चार्जर था, ये फास्ट चार्जर से भी चार्ज
चार्ज नहीं हुआ। कंक्लूजन की बात करें तो डेफिनेटली 250 रुपए में थोड़ा सा वर्थ इट लग रहा है, डिपेंड करता है कि आपका वर्क क्या है। अगर आपको हाई क्वालिटी के चाहिए और बजट अच्छा है तो आप अच्छा ही लो। अगर आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए चाहिए कि हाँ भाई चलो चला के देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं चलाना है, कम पैसे में थोड़ी वैल्यू देखनी है कि कैसी देगा ये, तो आप ट्राई करके देख सकते हो, नॉट बैड। अब वैसे तो मैंने इसे पहली बार देखा है, मुझे नहीं पता है कि ये कितने मंथ चलता है, लेकिन आप जहां से भी लो चेक कर लेना 6 मंथ की वारंटी है क्या। वैसे आपने कभी नेकबैंड लिया नहीं है तो ट्राई करने के लिए ले सकते हो, आपको कंफर्टेबल आता है या नहीं आता है, क्योंकि देखो डिजाइनिंग तो सबकी सेम आएगी लेकिन कंफर्ट आपके ऊपर है कि ये आपको कंफर्टेबल लगेगा या नहीं। वैसे 250 रुपए में एयरपोर्ट्स की कॉपी भी आ जाती है, तो जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैं नेक्स्ट करने वाला हूं, और उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना। किसी को ये पसंद आता है, किसी को ये पसंद आते हैं, आपको कौन सा पसंद आता है मुझे जरूर बताना। इसकी प्राइसिंग मैंने बताया 250 की, तो कभी 230 का भी मिल जाता है, कभी 300 के भी ऊपर चले जाता है, तो इसकी प्राइसिंग अप डाउन होते रहती है। तो इसकी लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हो, वहां से परचेस भी कर सकते हो। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले ढेर सारे अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।